चंडीगढ़ में हर साल की तरह इस बार भी रोज फेस्ट मनाया जा रहा है, जो कि कई सालों से मनाया जा रहा है। अब की बार ये जो रोज़ फेस्ट है वो 48वां रोज़ फेस्ट मनाया जा रहा है। जिस तरह से चंडीगढ़ की खूबसूरती देश और दुनिया के लोगों के लिए मशहूर है, उसी तरह से चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन की भी खूबसूरती पूरे देश में विख्यात है। आपको लेकर आज हम चंडीगढ़ के रोज़ फेस्टिवल में पहुँचे हैं, जहाँ पर रोज़ फेस्टिवल की तैयारियाँ देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप थोड़ा कैमरा उधर घुमा के दिखाइए कि चंडीगढ़ में किस तरह से नगर निगम द्वारा जो रोज़ फेस्ट की तैयारियाँ चल रही हैं। घास को काटा जा रहा है, गुलाबों को लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कई नए तरह के गुलाबों को इस बार चंडीगढ़ के रोज़ फेस्टिवल में लगाया गया है। और इसके साथ ये जो 3 दिन का फेस्ट है, लगातार 3 दिन चलता है, ये 28 फरवरी से 1 मार्च तक किया जाएगा। और इसके साथ साथ शाम को कई तरह के कॉन्सर्ट होते हैं इसमें, और यहाँ पर कई कॉम्पिटिशन्स जो है वो बच्चों द्वारा लड़े जाएंगे। जैसा कि आपने देखा, चंडीगढ़ में रोज़ फेस्ट की तैयारी बड़ी ही ज़ोरों शोरों से की जा रही है। चंडीगढ़ में रोज़ फेस्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ है और लोग यहाँ पर लोगों का तांता बहुत ही अधिक मात्रा में लगा हुआ है। मैं राहुल तिवारी, अर्थ प्रकाश न्यूज़, चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।